Okay, in our last class, we talked about a diagram that how the movement of the data is going to take place in von Neumann architecture. Like it started from the PC to MAR, from MAR to MDR, to MDR to CIR, and then the results were being calculated in the control unit, and after passing through the arithmetic logic unit, the results were being saved in accumulator. So that was a short process of the von Neumann architecture. Then we discussed the fetch execute cycle. And in this cycle, we discussed that if any of the interrupt signals are generated, then what's going to happen to this cycle? हमें अभी आज की क्लास में ये बात भी करनी है. But first, we need to complete the units. In our last session, in our last lecture, we have seen the working of a control unit, but we are not having only one unit. We are having three different units. One unit is called control unit. The other two units are called memory unit and arithmetic logic unit. So one by one, we need to see the stepping of each and every unit. तो अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करेंगे अबाउट अ यूनिट दैट इज कॉल्ड आई वॉज चेकिंग दैट आई एम अनम्यूट और नॉट ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ यूनिट दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट मेमोरी यूनिट इज MAR and MDR both are the registers. Ye dono register class, they are part of your control unit. Ye dono registers kya hai, ye aapke control unit ka kya hai, part hai. Theek hai, MAR and MDR are part of control unit. Oops, sorry, memory unit. After MAR and MDR, we are having the main work of memory unit is fetches data from main memory for execution. Because class, मैंने आप लोग को पहली क्लास के अंदर बहुत ऊपर मैंने आप लोग को एक डायग्राम बना के सिखाया था. मैंने एक आप लोग को डायग्राम बना के बताई थी. Oh my God, मैंने नहीं बताई. My bad. तो क्लास जरा ये डायग्राम आप लोग पहले देख लें. अगर ये डायग्राम की आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्लास हमें आगे पढ़ना इट्स नॉट एप्रोप्रिएट. ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए. लेट्स एज्यूम क्लास दिस इज आवर सेकेंडरी मेमोरी. और आप लोग को पता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है. हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों में से कोई भी हो सकती है. दिस इज योर रैम एंड दिस इज योर सीपीयू. सीपीयू के पास क्लास एक खास बात होती है, एक खास चीज होती है एंड दिस इज कॉल्ड द मेमोरी of CPU. Now, whenever we want to execute any instructions, कोई भी data, कोई भी program, कोई भी चीज को अगर आपको execute करना है, आपको उसको CPU के पास लेके आना पड़ता है, ठीक है? So, आपको secondary storage से उठा के वो data लाना पड़ता है to the RAM, और फिर RAM से आपको वो data उठा के लाना पड़ता है class towards the CPU. अब कोई बच्चा मुझे क्लास यहाँ पे ये बताएगा
कि ये क्या चीज है हमारे पास, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है हमारे पास. यू कैन राइट टू मैक चैट बेटा, यू कैन राइट टू मैक चैट. ओके ओके शहरियार एंड अशर्ट क्लास, हम दोनों ने, इन दोनों ने आंसर किया हमें, एंड दोनों का जवाब गलत है. क्लास अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन माय क्लास, सो व्हाई नॉट, आप लोगों में कोई एक बच्चा तो बताए जरा मुझे, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये किस टाइप की मेमोरी है, ये किस टाइप का डाटा है आपके पास. नो रॉम, नो नो अब्दुल्ला, नहीं 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 भाई, ठीक है ओके. लेट मी टेल यू क्लास, मैं खुद बता देता हूँ इससे पहले मुझे कोई और खतरनाक खतरनाक आंसर मिले. आई नीड टू, मैं खुद क्लैरिफाई कर देता हूँ ये क्या चीज है हमारे पास. दिस इज IAS. This is called immediate access store and there is one more name of IAS that is called cache memory, this is called कैश मेमोरी. तो क्लास दिस इज एक्चुअली, ये जो आपके सामने IAS है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर है, दिस इज मेमोरी ऑफ CPU. दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ CPU. फर्दर you should know about this memory that this is the fastest memory, and further you should know about this memory whenever instructions are to be executed, they are placed in IAS just before the execution. So ये बात है क्लास, आप लोग को पता होनी चाहिए अबाउट अबाउट IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोर. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा क्लास में यहां पे. तो क्लास यहां पे क्लास फेचेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस. तो अगेन ये जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा आ रहा है रैम में, रैम से डेटा जा रहा है कंप्यूटर CPU के पास फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस. That is the role of memory unit. ये किसका काम है? This is the role of memory unit. Now, एक और point, एक और काम memory unit का class हमारे पास. That is stores data permanently in secondary storage. So this is also the role of the memory unit. So hum logon ne kaha yahan pe do units dekhe. One unit is called control unit and the other unit is called memory unit. The last point, Faizan beta, whenever aapko koi data agar permanently store karna hota hai na, koi bhi data agar aapko permanently store karna, you need to move that data into
द सेकेंडरी स्टोरेज, आपको सेकेंडरी स्टोरेज में मूव करना पड़ता है. तो फॉर दैट वी ऑलवेज गो फॉर द मेमोरी यूनिट. अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट IAS का. ओके, कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको एग्जीक्यूट करना है ना, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो एग्जीक्यूशन कहां पर होती है? सीपीयू के अंदर होती है. तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस, डेटा, जो भी आपके पास होता है, व्हेनेवर यू वांट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, यू नीड टू फेच द डेटा इन योर IAS. तो जस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होने से पहले डेटा कहां पे स्टोर किया जाता है? सीपीयू के पास, सीपीयू की मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है. सीपीयू की मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोर. ठीक है, सो जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन वी नीड टू ब्रिंग डेटा टू द सीपीयू, और सीपीयू की मेमोरी का क्या नाम है? इमीडिएट एक्सेस स्टोर. So just before execution, we need to move data towards the IAS. ठीक है, ये point class clear होना चाहिए. Exam के अंदर आपके पास दो दफा वो IAS के बारे में पूछ चुका है आपसे. ठीक है, तो IAS क्या है भाई? Memory of CPU. This is the fastest memory, and whenever instructions are to be executed, they are placed in IAS just before execution. ठीक है, I hope अब आप लोग को clear हो गया होगा ये point भी. The last unit class that comes is called, then मैं वो class के end में आपको बताऊंगा कि आपने join late किया है तो कोई issue की बात नहीं है, आपको recorded lecture सारे मिल जाएंगे और आप लोगों को मैं plan out बता दूंगा कि how you are going to patch up with the class. ठीक है, okay, now we have one more unit. अब्दुल्ला test next याला Sunday छोड़ के अगले Sunday को मैंने रखा है, तो आप लोग को अभी schedule भेज दूंगा मैं. ठीक है, अगले संडे को भी, उसके बाद एक संडे छोड़ के भी एक और संडे को टेस्ट है. तो दो टेस्ट अभी मैं कंडक्ट करूंगा फिलहाल, और आप लोग की आईडीज वगैरह सभी क्रिएटेड हैं. जिन बच्चों की नहीं होंगी वो मैं बिफोर द एग्जामिनेशन क्रिएट करवा दूंगा, या पहले ही अभी क्रिएट करवा दूंगा. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट लाइफ. ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. शयान विल सॉर्ट दैट आउट, कर लेंगे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. अब हम लोगों ने क्लास क्या किया यहाँ पे? We talked about the last unit that is called arithmetic logic unit. तो क्लास इस यूनिट में क्या होता है आपके पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्लास क्या होता है आपके पास? ऑल arithmetic operations take place here. This unit is actually gateway to the processor. All decision making are also placed in this unit. Arithmetic मतलब, arithmetic operation मतलब भाई plus, minus, multiply, divide, exponent. So these are actually class arithmetic operations. ठीक है, so all arithmetic operations are taking place in this unit. It's a gateway to the processor. अगर मैं आप लोग को diagram open करके दिखाऊं, so you can see
कंट्रोल यूनिट इज योर प्रोसेसर एक्चुअली, द मेन पार्ट, द मेन कोर। तो ये आपके कंट्रोल यूनिट से डायरेक्टली अटैच होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेटवे टू द प्रोसेसर। एंड सारी डिसीजन मेकिंग भी आपके पास यहाँ पे इसी यूनिट के अंदर आपके पास दे आर टेकिंग प्लेस। सो दीज आर अबाउट द क्लास थ्री यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आफ्टर लुकिंग एट दीज यूनिट्स, किस टाइप का डिसीजन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इट्स अ डिसीजन। प्रोग्राम शुड बी एंडेड, इट्स अ डिसीजन। Interrupt should be executed, it's a decision. Windows restart, it's a decision. Computer shutdown, it's a decision. So all the decisions are taking place, Ashar beta, in this register. ठीक है? All the decision making are being done in this register. अच्छा जी, शयान आपकी आईडी का मसला आ रहा है। शयान, आपको मैं बता दूंगा कि I will be providing you a number. तो जिन जिन बच्चों को आईडीज का मसला होगा तो आप उस नंबर पे मैसेज करें तो योर आईडीज आर गोइंग टू बी रीसेट। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे, और अब हम लोग देखते हैं क्लास यहाँ पे। आप लोगों को पता है क्लास फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, पीसी से आप लोग जाते हैं एमएआर, सेकेंड स्टेप एमएआर टू एमडीआर, थर्ड स्टेप MDR to CIR, fourth step, then fifth step is PC plus one, then decode, छठा step and last आपका seventh step execute. तो 1 2 3 4 5, और ये आपकी साइकिल आपकी चलती रहती है. ठीक है, this cycle repeatedly goes on and on. लेकिन कब तक ये साइकिल रिपीट होती है, जब तक आपके पास interrupts जो हैं वो क्या हो, इंटरप्ट जो है वो क्या हो, नो हो, नो। अगर ये इंटरप्ट आपके पास यस हो जाएगा, प्लस अगर ये इंटरप्ट आपके पास यस हो जाएंगे तो देयर विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो, देयर विल बी अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। और वो पूरा सिनेरियो क्लास मैं आप लोग को यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, ताकि पेपर में अगर आ जाए तो आप लोग दो मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सो मैंने हेडिंग डलवाई क्लास, रोल ऑफ interrupts in fetch decode execute cycle। So we need to see class the role of interrupts in fetch execute cycle. Number one, सबसे पहला काम क्लास क्या होता है आपके पास, अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्लास इंटरप्ट इज बीइंग जनरेटेड। नाउ बिफोर हम लोग क्लास यहाँ पे रोल देखें इंटरप्ट का, मैं आप लोग को क्लास एक बात लिखवाऊंगा यहाँ पे, एंड वो बात क्या है, वो बात क्लास एक्चुअली ये है, द डेफिनेशन फॉर एन इंटरप्ट, इंटरप्ट होता क्या है। इंटरप्ट क्लास इज एक्चुअली एक सिग्नल होता है क्लास, ये क्या होता है, ये सिग्नल, एक सिग्नल होता है यह हमारे पास, जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, ये सिग्नल जो है ना क्लास, ये जनरेट कर सकता है आपका सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। और ये सिग्नल करता क्या है, ये जनरेट क्यों करते हैं हम लोग,
to stop the processing of processor for period of time. So class, ये होता है आपके पास interrupt. A signal generated by software or hardware to stop the processing of a microprocessor or a processor for a certain period of time. Example of an interrupt class. आपके पास कोई hardware fail हो गया तो interrupt generate हो जाएगा. आपके पास कोई fatal error आ जाए क्लास, इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा. क्लास आपके पास कोई यूजर इंटरेक्शन नीड है क्लास, आपके पास इंटरप्ट आ जाएगा. ठीक है, आपकी पावर फेल हो गई, तो क्लास आपके पास इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा. तो हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं क्लास इंटरप्ट जनरेशन के, हार्डवेयर फेलियर, फैटल एरर, यूजर इंटरेक्शन, आपकी पावर फेल हो जाए. सो दीज आर द फ्यू रीजंस फॉर द इंटरप्ट टू बी जनरेटेड. और जब इंटरप्ट जनरेट हो जाता है क्लास, इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल कहां पे जनरेट होता है आपके पास, इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल. नाउ वी आर टॉकिंग के हाउ योर साइकिल इज गोइंग टू एक्ट. सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है आप लोग की ये साइकिल कहां से स्टार्ट होती है. आप लोग की ये साइकिल स्टार्ट होती है फ्रॉम पीसी, प्रोग्राम काउंटर. योर साइकिल इज स्टार्टेड क्लास फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर. तो वी नीड पीसी वैल्यू या पीसी विद some other registers, other register मतलब क्लास MAR, MDR. तो PC with some other registers values are saved somewhere in memory. Temporary. तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटरप्ट आपके पास जनरेटेड है तो हम लोग पीसी और एमएआर एमडीआर जो अदर रजिस्टर्स हैं हमारे पास, इनकी वैल्यूज को हम लोग मेमोरी में समवेयर क्लास क्या कर देते हैं, टेम्पररी तौर पे सेव कर देते हैं. और फिर हम लोग क्लास क्या करते हैं, हम लोग लोड करते हैं, लोड इंटरप्ट इन प्रोग्राम काउंटर. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरप्ट को लोड करवा देते हैं क्लास प्रोग्राम काउंटर के अंदर. थर्ड स्टेप, इंटरप्ट is executed. अब interrupt executed मतलब class, interrupt executed मतलब class, ये पूरा same cycles होंगी. मतलब from PC to MAR, from MAR to MDR, the MDR to CIR, then PC plus one, then decode, execute. तो interrupt के लिए भी class same cycles होंगी for the execution. तो interrupt भी आपके पास इसी तरह पूरा execute होगा. After interrupt is being executed, इंटरप्ट जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, द फाइनल स्टेप इज
we check for further interrupts. अब हम लोग चेक करेंगे कोई फर्दर इंटरप्ट तो नहीं है आपके पास, कोई और इंटरप्ट तो नहीं है. तो क्लास इसके दो केसेस हो सकते हैं. पहला केस क्या होगा? यस. और दूसरा केस क्या होगा? नो. तो अगर आपके पास क्लास फर्दर इंटरप्ट हैं, देन दे आर एग्जीक्यूटेड. और अगर आपके पास फर्दर इंटरप्ट नहीं है, अब कोई और फर्दर इंटरप्ट नहीं है आपके पास, देन प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने पहली स्टेप में किया था, दैट हम लोगों ने पीसी की वैल्यू को विद सम अदर रजिस्टर सेव कर दिया था, टेम्पररी तौर पे हम लोगों ने सेव कर दिया था. तो अब हम उनको वापस से क्या करवा देंगे? लोड करवा देंगे, सो दैट नाउ दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. सो मैंने क्लास आप लोगों को लिखवाया यहाँ पे, अगर ये नो है आपके पास, देन प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस आर अगेन लोडेड इन पीसी. So these are the steps, चार स्टेप हैं आपके पास. whenever interrupts are generated in a fetch execute cycle, or we can say role of interrupts in fetch decode execute cycle. And इस साल के लिए क्लास this cycle is very 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 important. So आप लोग को ये stepping numbers pata honi chahiye. Now let me check if we have any questions till now. Let me see. Okay, we have a question. Sir, interrupt ko execute karna zaruri hoga usi waqt? Yes, Asher. Interrupt hota hi aisa signal hai ki aapko usi waqt foran usko entertainment deni hoti hai. Usko foran entertain karna hoga. Entertainment nahi deni hogi, sorry, my bad. Usko foran entertain karna hoga. Aapko foran execute karna hoga because ye signal hi aisa hota hai. It's a signal that required fast action. ठीक है, तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है जिसको हमें हमारे पास फास्ट एक्शन रिक्वायर्ड होता है क्लास. ठीक है, आपके कैम्ब्रिज 2021 के लिए उमर इंपॉर्टेंट है बेटा ये. ठीक है, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइवा एज वेल. गेटवे वाला पॉइंट समझा दे. कहां है भाई गेटवे वाला पॉइंट? हो, हियर गो. लगा बेटा देखो, आपको अगर मैं बोलूं, आप मेरी क्लास में बैठी हुई है, मैं आपको बोलूं कि लेट्स से आप मेरी क्लास से बाहर चली जाएं, या आप, हाँ यही सही रहेगा, आप मेरी क्लास से बाहर जाएं. ठीक है, तो आप कैसे जाएंगी मेरी क्लास से बाहर? Using the gate, आप विंडोज वगैरह से तो जम करके नहीं जाएंगे ना, आप मेरे गेट से बाहर जाएंगी. तो सिमिलरली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो गेटवे होता है ना, इट्स अ गेटवे टू द प्रोसेसर. एंड एक्चुअली इन शॉर्ट दिस इज योर, जस्ट गिव मी अ मिनट क्लास. ओके, सो इन शॉर्ट ये आपके पास ALU क्या करता है, आपके पास ये गेट होता है प्रोसेसर को, जिसके अंदर भी प्रोसेसर के अंदर जाना है, दे नीड टू पास थ्रू द ALU से होते हुए आप लोग से जाएंगे वो. ठीक है, ओके, परफेक्ट बेटा, जबरदस्त. अच्छा जी, सो क्लास हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी. मी स्टार्टेड ऑफ विद मेमोरी यूनिट, फिर हम लोगों ने क्लास यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखा. फिर वी हैव सीन
role of interrupts in fetch execute cycle. We have seen interrupt as well. Now, अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Now let me draw. Executed मतलब it's being processed. जो भी इसका एक्शन करना था आपने उसको कर दिया. Executed मतलब आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसेस हो गए. Like you can see ना, आप सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप उसको फेच करती हैं, फिर आप उसको डिकोड करती हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देती हैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूट मतलब परफॉर्म करना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट. आप लोगों को मैं यहाँ पे एक और डायग्राम करवाऊंगा अभी. लेट्स सी दिस डायग्राम एज वेल. ओके, एक छोटी सी डायग्राम है क्लास हमारे पास यहाँ पे. लेट्स सी दिस डायग्राम एज वेल. सो जब हम लोग क्लास बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास तीन मेन प्रोसेस होती है क्लास. क्या क्या होती है वो? तीन मेन प्रोसेस होती है क्लास हमारे पास. क्या होता है? सबसे पहले हम लोग फेच करते हैं. फेच के बाद हम लोग क्या करते हैं? डीकोड करते हैं. एंड आफ्टर डीकोड हम लोग क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो क्लास व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फैच, तो जो फैचिंग हो रही होती है क्लास, हम लोग डेटा फैच करते हैं. हम लोग डेटा जो है वो फैच करते हैं फ्रॉम रैम. तो हम लोग क्लास रैम से डेटा क्या करते हैं? हम लोग रैम से डेटा क्लास क्या करते हैं? फैच करते हैं. After fetching data from RAM, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास towards the decode. तो decode क्लास आपके पास actually take place करता है in your, ये decoding कहाँ होती है? ये decoding होती है क्लास in your control unit. ये decoding कहाँ होती है? आपके control unit के अंदर क्लास ये decoding होती है. और फिर जब आप लोग execute करते हैं, जब आप लोग क्लास एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन टेक प्लेस करती है क्लास इन योर एएलयू. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर क्लास आपके पास एग्जीक्यूशन होती है. और एग्जीक्यूशन होने के बाद जो आप लोग का रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज अगेन सेव्ड इन योर रैम. तो ये छोटा सा एक डायग्राम थी क्लास, जो आप लोग को इस डायग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फेचिंग डेटा रैम से फेच होता है, रैम में ही सेव होता है आके. फेचिंग हो गई रैम में, डीकोड कंट्रोल यूनिट में, एग्जीक्यूशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, एंड द साइकिल गोज ऑन. द रिजल्ट इज सेव्ड इन रैम एंड अगेन द प्रोसेस द साइकिल क्लास गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Now, हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़े अब यहाँ पे. अब हमें क्लास एक और चीज देखनी है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये. एंड दिस स्टफ इज कॉल्ड
This is called buffers. तो क्लास कोई बच्चा मुझे बफर बताएगा क्या होता है? बहुत सुना होगा आपने, बफरिंग बफरिंग आप लोग करते रहते होंगे, बहुत दफा सुना होगा आप लोगों ने. तो बफरिंग या बफर्स का मतलब क्या होता है कुबरा बेटा? फेच का मतलब होता है, we have a question, class, कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं वो आंसर कर दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. कुबरा इज सेइंग के सर फेच का मतलब क्या होता है? कुबरा बेटा आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है शॉर्ट लाइफ के ऊपर, ठीक है. आई रिमेम्बर माई टीए वॉज टेलिंग मी, एंड आपने प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करना है बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे बताया था, स्टार्टिंग के अंदर पढ़ाया था यहाँ पे अबाउट दिस साइकिल. तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी. फैच का मतलब होता है एक्चुअली ग्रैबिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, डेटा को लेकर आना. अगर हम लोग यही डायग्राम देखें, आज वाली डायग्राम देख लेना, ये ले. तो फैच मतलब आपका डेटा, आपके इंस्ट्रक्शन ना यहां पर होते हैं, ये डेटा, ये आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे. इसको हम लोग फेच करके लेके जाते हैं सीपीयू के पास, बिकॉज जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता है बेटा, ठीक है. ओके, मैंने आप लोग से एक सवाल किया था और मुझे अच्छे अच्छे जवाब मिल रहे हैं क्लास यहाँ पे अभी. कुछ बच्चे बता रहे हैं क्लास मुझे कि बफर्स क्या होते हैं. दे आर डेटा टेलीकम्युनिकेशन. ओ माय गॉड उमर, नेक्स्ट लेवल. उमर आप कभी क्लास में आएगा मुझसे मिलेगा जरूर, आपसे मुझे बड़ा मिलना है भाई. अरेल स्टोर्स डेटा. बफर्स आर टेम्पररी स्टोरेज एरिया, कुबरा ने बताया बेटा, परफेक्ट आंसर. हमारे पास उमर ने भी हमें क्लास राइट आंसर बता दिया था, ठीक है. एंड फर्दर They are similar to RAM, Asher कह रहे हैं, perfect, right answers. So buffers class actually क्या होते हैं हमारे पास? They are temporary storage areas. ये तो definition ना आप लोग हर कोई बता देगा, हर कोई आप लोग को बता देगा भाई buffers क्या होते हैं. They are temporary storage area. But why you are studying from me? उससे क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग फिर? तो क्लास जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बात तो बताऊंगा ना जो आप लोग के नॉलेज के अंदर नहीं होगी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना. सो बफर्स टेम्पररी स्टोरेज एरियाज तो होते ही होते हैं, बट सवाल ये आता है क्लास हमारे पास, सवाल क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि व्हाई बफर्स आर नीडेड. क्वेश्चन तो ये आता है क्लास, क्वेश्चन तो ये आता है क्लास हमारे पास कि बफर्स क्यों चाहिए हमें, व्हाई व्हाई वी नीड बफर्स. क्लास अगर मैं आप लोग को बताऊं यहां पे कि बफर्स क्यों चाहिए हमें, तो लेट्स सी क्लास, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे. And let's assume class this is your school canteen, ये आपका स्कूल का कैंटीन है और ये आपके वैन वाले कैंटीन वाले अंकल. अब कैंटीन वाले अंकल क्लास क्या होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं. जैसी ब्रेक होती है एवरी वन ब्रशेस टूवर्ड्स द कैंटीन. तो अंकल क्लास क्या करते हैं, जितना जल्दी वो लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो बच्चों को हेल्प आउट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको क्वेरीज करते हैं. लेकिन बच्चों को क्या करना पड़ता है, लाइन में थोड़ी देर तक टेम्पररी तौर पे खड़ा होना पड़ता है. एंड जिस तरह क्लास वो आपके पास आपकी जॉब्स को एंटरटेन करते रहते हैं, बच्चों को एंटरटेन करते हैं, बच्चे जाते रहते हैं और ये आपके पास आप लोग बफर्स में जो डाटा सॉरी आपके जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और आप उनको मूवमेंट आप लोग की होती रहती है, ठीक है. तो बफर्स भी क्लास क्या होते हैं एक्चुअली, आप लोगों का जो प्रोसेसर है ना, आप लोगों का क्लास जो प्रोसेसर है,
आप लोग का प्रोसेसर काम करता है क्लास गीगा हर्ट्ज की स्पीड में, और आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये काम करती हैं क्लास आपके पास इन किलो हर्ट्ज। सो देयर इज अ ह्यूज स्पीड डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो क्लास इस स्पीड मिसमैच को टू कॉम्पनसेट द स्पीड मिसमैच बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू या प्रोसेसर, वी यूज बफर्स। और एक और पॉइंट क्लास हम लोग जाते जाते यहां पे नोट करेंगे, दैट पॉइंट इज एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस नीड्स या नीड नहीं बोलेंगे क्लास, एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैविंग बफर्स। अब क्लास इसके ऊपर अभी लॉन्ग डिबेटेबल बहुत बड़ा टॉपिक है ये आपके पास, बहुत बड़ा टॉपिक है अभी अब हमारे पास। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी ये पॉइंट किया, यहाँ पे ये चीज नोट करिए कि बफर्स होते क्या है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया, और इसको यूज क्यों किया जाता है, टू कॉम्पनसेट द स्पीड मिसमैच बिटवीन योर प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपका प्रोसेसर बहुत तेज काम करता है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो काम करती है, दैट्स व्हाई इस स्पीड मिसमैच को कॉम्पनसेट करने के लिए वी यूज बफर्स एंड एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस इज हैविंग देयर ओन बफर्स। हर इनपुट डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद क्लास क्या होते हैं, देयर ओन बफर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास ये बफर्स का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे, और इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग ये वाला चैप्टर भी पूरा, आखिरी टॉपिक रहता है हमारे पास एक, दैट इज कॉल्ड द रोल ऑफ इंटरप्ट्स एंड द बफर्स। इन दोनों का आपस में एक रोल होता है, एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल कंप्लीट करने के साथ हमारे हमारे पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, वॉन न्यूमन वाला, इट विल बी एंडेड।